हेलो दोस्तों, तो हम लोग आज यहाँ पहुंचे थे लेदर से जींस जो होता है पर्स और बैग बनाने का फैक्ट्री में। तो आप लोग को आगे दिखाते हैं कि लेदर से पर्स और बैग कैसे बनता है। सबसे पहले दोस्तों लेदर को प्रोसेस करके और अच्छा से सुखा के ऐसे स्टोर में मतलब एक एक जगह करके रख दिया जाता है, जैसे लेदर सड़े ना और खराब ना हो। फिर जब लेदर काम में लगता है तो एक एक लॉट से एक रेड या ब्लैक या जो भी दूसरे कलर का लेदर है उसको चुन लिया जाता है यहाँ से। ये है लेदर का स्टोर। नेक्स्ट प्रोसेस में आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे लेदर को मतलब जैसे मोल्ड में चाहिए वैसे मोल्ड में काट लिया जाता है। पर्स के लिए अगर चाहिए तो पर्स का अलग मोल्ड होता है, और बड़े बैग का जो जेंट्स के जो बड़े बैग होते हैं जिसमें हम लोग बहुत कुछ सामान रखते हैं उसके लिए अलग मोल्ड होता है। ये आप लोग दो तरीके का जो मोल्ड है आप लोग आगे देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है इन भाई साहब के पास जो लेदर होता है कट के आ जाता है। इनके पास भी बहुत सारे सांचे रखे होते हैं, देख पा रहे हैं कार्डबोर्ड के सांचे। ये कार्डबोर्ड के सांचे के हिसाब से लेदर को काट लिया जाता है। देख पा रहे हैं आप लोग वर्कर कैसे लेदर को काट रहे हैं। ऐसे लेदर को काट के और उससे मतलब डिफरेंट साइज का पर्स बनाने के लिए मटेरियल जुगाड़ किया जाता है। आगे आप लोग देख पा रहे हैं ये भाई साहब कैसे लेदर को काट रहे हैं सांचे को बिठा के। सांचे एक्चुअली ये सांचा नहीं होता है, ये होता है कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड से मार्किंग करके लेदर को अच्छे से काट लिया जाता है। देख पा रहे हैं आप लोग सामने में, मैं हाथ से दिखा रहा हूँ कार्डबोर्ड कैसा है। इनने देखिए एक छुरी ले रखा है, मतलब बहुत ही धारदार छुरी है, और छुरी से लेदर को काटते जा रहे हैं। मतलब बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल है। आगे आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे जो लेदर का है नेक्स्ट प्रोसेस चल रहा था। यहाँ पे जो बैग को है आधा ही सिला जाता है और उसमें जो है जो बोन वगैरह लगा के चिपका के नेक्स्ट स्टेप में भेजा जाता है। ये होता है लेदर बैग बनने का सेकेंड स्टेज। इसके बाद आप लोग को ले चलेंगे लेदर बनने का थर्ड और फाइनल स्टेज में, जहाँ पे पैकिंग होता है। तो दोस्तों ये है लेदर से बैग और पर्स बनने का फाइनल स्टेज। यहाँ पे बड़े बड़े स्विंग मशीन के द्वारा लेदर और पर्स को अच्छे से फाइनल सिलाई किया जाता है। और यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग फाइनल प्रोडक्ट जैसे टेबल में बन के रखा हो ऐसे बन के बड़े बड़े क्रेट्स में रख के भेजा जाता है। इसके बाद हम लोगों को दुकान में ऐसे पर्स और बैग देखने को मिल जाते हैं।